मैं उधरी का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोंस, और आज मेरे साथ यू नो मेरे शो पर कैमरे के दूसरी तरफ मौजूद है हमारे जमुना पार का बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक रैपर जिसका नाम है बीबी। क्या हाल है बीबी भाई, कैसे हो? यो 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 व्हाट्स अप। हेलो राज भाई, कैसे हो आप यार? व्हाट्स अप, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है क्वारंटीन आपका? क्वारंटीन बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ प्रोडक्टिव चल रहा है, कुछ क्रिएटिव चल रहा है, और बहुत ही चीज, बाकी एक चीज जो आपके लिए भी फेमस है वो भी हम निकाल ही रहे, कर ही रहे, मेहनत कर रहे हैं क्वारंटीन में भी। हाँ मेहनत तो बहुत कर रहे हो, देखा मैंने भाई, मैंने पोस्टर देखा था गाने का जिसका नाम है बीफ। ये बीफ। हाँ तो मेरे को ये बताओ, ये मतलब किसी को डिस्ट्रैक्ट है क्या है? ये डिस्ट्रैक्ट कैसे कहूं मैं आपको, ये डिस्ट्रैक्ट है भी और नहीं भी। ये डिस्ट्रैक्ट कुछ ऐसे लोग है ना, जो 1% जो चूतिया लोग है ना, उनके लिए आप कह सकते हो ये है, लेकिन ये बीफ है, प्रॉपर बीफ है। नाउ इंडस्ट्री गोना नो कि व्हाट इज बीफ इज ऑल अबाउट, व्हाट बीफ इज ऑल अबाउट, राइट? बीफ क्या है, क्यों है, किस लिए है? सो दिस इज ऑल अबाउट, दैट्स व्हाई ये निकालने की कोशिश करी हमने बीफ। अच्छा अच्छा भाई, मेरे को ये जानना है यू नो कि मतलब हिप हॉप में सिर्फ मतलब ये बीफ रह गया, डिस रह गया कि यू नो रैपर्स एक दूसरे को कर रहे हैं, मतलब और कोई टॉपिक नहीं है या और कोई चीज नहीं है, मतलब मुझे जानना है बस, मतलब आप भी डिस कर रहे हो यार, बीफ कर रहे हो मतलब? एग्जैक्टली यही चीज, इसी चीज को देख के जो हिप हॉप में अभी आजकल चल रहा था, बिना बात के किसी को भी कोई भी ना कोई आना। एक्चुअली राज भाई देखो, बीफ का मतलब क्या है? बीफ का मतलब है फाइट, आर्ग्यूमेंट। अगर मेरी आपसे कोई फाइट है तो मेरी आपसे बीफ है, राइट? अगर आपने मुझे कभी कोई बात ही नहीं करी, ना किसी आपने ना ऑन कैमरा बोला कि बीबी ऐसा बीबी वैसा, और मैं तब भी आपके बारे में कुछ कहे जा रहा हूँ, वो बिना बात के फालतू की डिस है, फालतू की बीफ है, राइट? सो दिस इज नॉट द रियल बीफ, राइट? सो दैट्स व्हाई अभी हमने कोशिश करी है ये बीफ निकाल के कुछ लोगों को बताने की कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, राइट? कि वो अपने आप ये जहां तक जानी है बात, वो उनके दिल तक अपने आप करके पहुंचेगी। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, ओके मतलब मुझे लगता है कि भाई इसके अलावा भी हिप हॉप में बहुत सारी चीज है जो यू नो करनी चाहिए। अच्छा किसी स्पेसिफिक पर्सन को है या मतलब जैसे आपने बोल दिया, मतलब ये किन किन लोगों के लिए? ये 1% जो चूतिया कैटेगरी नहीं होती, जिनको सिर्फ यही चीज समझ में आती है, जो बिना बात के कहानियां बनाते हैं, बिना बात की चीजें बनाते हैं। हाँ वही कैन यू डिफाइन इट, कैन यू डिफाइन इट, यू नो कैन यू एक्सप्लेन इट? एग्जैक्टली बिल्कुल। जैसे कि अभी आजकल आप देख रहे होगे, आप यू आर राज जोंस AKA बीफ जोंस, सो यू नो बेटर कि कुछ तो बीफ ठीक है, बनती भी है कुछ का आर्टिस्ट। एक्चुअली आप ये पहले समझो कि बीफ इज ऑल अबाउट हिप हॉप का एक एलिमेंट है, बीफ हिप हॉप नहीं है। बीफ बीफ इज नॉट प्रॉपर हिप हॉप, जस्ट अ एलिमेंट, ठीक है ना, जस्ट एन एलिमेंट है ये। सो इसमें आप जब भी आपकी किसी से बहस हो या कुछ हो तो आप बीफ करते हो उसके लिए, लेकिन अभी आजकल बिना बहस के, बिना किसी चीज के लोग एक दूसरे को निकाल रहे हैं, पता नहीं क्यों डिस कर रहे हैं एक दूसरे को, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई दिस बीफ इज लाइक, हमें लगा और ये करना चाहिए, और जब ये बीफ आएगा देन यू गॉट टू नो कि वाई दिस इज ऑल अबाउट टू दैट 1% कैटेगरी जो दिमाग से भी चूती है, बातों से भी चूतिया है, शब्दों से भी चूतिया है। I'm sorry that I'm using चूतिया word, क्योंकि मैं दिल्ली से हूं और दिल्ली में ये word बिल्कुल ही सही जाता है और सटीक जाता है उस कैटेगरी के लिए जो बिल्कुल ही नादान है यार। मैं क्या कहूं उन बच्चों को यार, वेरी किडिश। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। अच्छा मेरे को ये जानना है, यू नो मैंने पोस्टर देखा जो गाना है बीफ, यू नो उसके ऊपर लिखा हुआ था क्या कि ग्रेप वाइन म्यूजिक एंड लिल गोलू प्रेजेंट्स। सो मतलब गोलू भाई मतलब यू नो क्या बोलते हैं ये बीफ को, डिस को ये प्रमोट कर रहे हैं, मतलब वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, मुझे जानना है। जी भाई गोलू भाई प्रमोट नहीं कर रहे, वो प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? ही इज प्रेजेंटिंग दिस बीफ, मतलब ग्रेप वाइंस एंड लिल गोलू प्रेजेंट्स दिस थिंग। मतलब किसी ना किसी तरीके से उनका नाम तो जुड़ा है ना, हालांकि मतलब गोलू भाई से मेरी बात नहीं थी, बहुत टाइम हो गया, बट फिर भी मतलब यू नो ही इज अ वेरी नाइस गाय, ही इज अ बहुत अच्छे रैपर है भाई, लेकिन मतलब ही इज माय ब्रदर, ही इज माय एल्डर ब्रदर, ही इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी इन एवरीथिंग, वो कंसल्ट करने के लिए हर चीज के लिए। नाउ व्हाई लिल गोलू प्रेजेंटिंग दिस थिंग, क्योंकि ये जो ट्रैक जब पॉपअप हुआ था, ये आइडिया हमारे दिमाग में पॉप हुआ था, सो डॉक्टर लव चंडीगढ़ से आया था, हम दाई के यहाँ पे थे, हम गोलू दाई के यहाँ पे थे, उन्हीं के घर पे थे, दाई कहीं गए हुए थे, लेकिन हम बैठे हुए थे, मैं लिखारी एंड डॉक्टर, हम तीनों इस आइडिया का ने बात कर रहे थे कि बीफ की क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, जहां यूट्यूब खोलो वही चल रहा है, एक दूसरे को कर रहे हैं, बिना बात के कर रहे हैं।
और कहाँ कहाँ की गड़े 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 मुर्दे चीजें उठा रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड, राइट? तो यही एक आइडिया पॉप हुआ और वो जो जगह थी लोकेशन, दैट्स डाई, राइट? उन्होंने उनको हमने ये पॉप आइडिया बनाया, लिखा, और विद इन टू आवर्स, आप मानोगे नहीं, विद इन टू आवर्स ये गाना पूरा लिख लिया गया था। फिर दाई को सुनाया गया तो दाई ने अप्रूवल दिया कि यस, दिस गोना बी समथिंग ह्यूज, और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से अभी हम ये गाना प्रॉपर निकाल पा रहे हैं, निकाल कर रहे हैं और आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी वजह से। That's why Lil, it's present by Lil Golu, क्योंकि he's the guy, उन्होंने पीछे की तरफ मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने हेल्प करी और there's a lot of other things, इसलिए वो Lil Golu presence है। So we can say ना कि Lil Golu भाई, you know, favor करते हैं ये diss और beef को। वो favor नहीं करते वो diss और उसको, उनको मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो कभी भी, उन्होंने कभी भी किसी को diss ना किया है, ना शायद वो कभी किसी को करेंगे, क्योंकि उनको कभी भी कोई fuck देना पसंद नहीं है, right? क्योंकि लोग यहाँ पे, you know that, कि इंडस्ट्री नीड्स fuck, राइट? उनको चाहिए होता है किसी बात के लिए, लेकिन वो देंगे नहीं। लेकिन अगर कोई कभी करेगा तो वो चुप रहेंगे भी नहीं किसी की हिम्मत भी नहीं है कि उनको कोई डिस करे, आई डोंट नो, लेकिन उनका कोई सपोर्ट नहीं है, इज नॉट सपोर्टिंग डिस एंड ऑल, क्योंकि वो किसी को सपोर्ट डिस के बारे में नहीं करते, लेकिन दिस बीफ इज समथिंग अबाउट सोसाइटी, किसी एक परसेंट सोसाइटी के बारे में बताया था ना आपको, उस 1% के लिए, इसलिए दाई ने बोला कि हाँ ये आना चाहिए कि लोग सुने समझे कि वॉट इज बीफ ऑल अबाउट, कि बीफ होता क्या है भाई। ठीक है, अब आपकी बात समझ गया, मैं गाने का वेट कर रहा हूँ, यू नो, हो सके तो एक्सक्लूसिवली रिलीज होने से पहले मुझे ट्रैक भेज रहा ताकि मैं भी सुन लूँ, यू नो, कि ये बीफ है क्या आखिर। इसके अलावा और क्या चल रहा है लाइफ में मुझे बताओ यार। भाई क्वारंटीन चल रहा है, आई होप कि आप भी अपने घर पे सेफ होंगे, राइट? तो मैं भी अपने घर पे हूँ, क्वारंटीन चल रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइनअप प्रोजेक्ट्स हैं, सो अभी लॉकडाउन शुरू हो गया, वरना अभी गोलूदाई का भी कुछ लाइनअप प्रोजेक्ट्स थे जिसको शूट करना था हमें, और हमें पूरा निकाल के आप लोगों को एंटरटेन करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम सब कुछ पोस्टपोन हो चुका है। सो नाउ लेट्स सी कि क्या क्या हो सकता है, शायद हम लिरिकल वीडियोज निकालें कुछ, या घर से बनी हुई वीडियोज निकालें, आई डोंट नो, वी डोंट नो, लेकिन कुछ लाइनअप प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें, एंड वी आर डूइंग working hard for it। अच्छा भाई मेरे को ये बताओ, you know, इसके अलावा और क्या चल रहा है लाइफ में, you know, नए नए गाने बना रहे हो या सिर्फ बीफ पे फंसे हुए हो? Yes, बाबा, working hard for new projects। अभी जितने अभी next जो singles आने वाले हैं, कुछ singles पे काम कर रहा हूँ, कुछ collab पे काम कर रहा हूँ। I'm definitely sure that I'm not going to disappoint my people, my audience and you as well, भाई। आप लोगों को disappoint नहीं करने वाला बीबी, that's my promise to you। That's great bro, you know, खतरनाक काम करते रहो, और you know, मैं यही बोलना चाहूंगा, you know, future में मेरे ख्याल से beef और diss से निकल के, मतलब और भी भाई बहुत सारा content है दुनिया में, उस पे you know, rap songs बनाओ और hip hop को थोड़ा next level पे ले जाओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब अभी आपको मतलब आप जब बीफ सुनोगे तो आपको लगेगा, क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट सिंगल पर्सन, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, इट्स अबाउट अ कम्युनिटी जो कुछ नेगेटिविटी फैला रही है उनके लिए है, एंड आई एम श्योर दिस बीफ, ये बीफ ग्रूव लाएगा ऑडियंस के बीच में, ये बीफ सिर्फ सुनेंगे नहीं, लोग ग्रूव करेंगे इस पे, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, यू गोना हैव फन अबाउट दिस। ठीक है भाई, यू नो, आप पे भरोसा कर रहा हूँ, मैं इस गाने का वेट कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिव पहले मुझे भेज देना, फिर मैं यू नो उसके बारे में आपको अलग से बता दूंगा, या यू नो आई पोस्ट समथिंग ऑन इंटरनेट। सो थैंक्स अ लॉट भाई, यू नो, फ्यूचर में खतरनाक काम करो मेरे साथ जुड़ने के लिए, और अच्छा लगा भाई, घर पे रहो, बी सेफ। थैंक यू बाबा, आप भी सेफ रहें, और आपके इस इंटरव्यू के लिए शुक्रिया, और मैं आपके इस इंटरव्यू के थ्रू बाकी ऑडियंस को भी कहना चाहूंगा, बी सेफ, स्टे एट होम, स्टे सेफ, और ख्याल रखो अपना, अपने घर वालों का, सबका, बाहर मत जाओ, घर पे ही रहो, ओबे द रूल्स, जो भी रूल है उनको ओबे करो, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट बी सेफ, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू भाई, बाय, टेक केयर ब्रो, बी साइनिंग आउट।